कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सूबे भर में 3 मई तक के लॉकडाउन का ऐलान किया गया, पर जिसके चलते चोर बेखौफ घूमते नजर आ रहे। मलोट के कई महल्यां एक नौजवान रात को शरेआम एक हथियार लेके घूमता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। मलोट के लोगों का कहना है कि एक नकाबपोश नौजवान जिस को एक हथियार भी है तो शरेआम मलोट दियां गड़ियां च घूम रहा, जो कि किसी वारदात की ताक विच है, जिसको लेके लोगों विच सहम का माहौल बनया होया। उन्होंने मांग की है कि इस नौजवान को जल्द तो जल्द काबू कर लिया जाए। तो 20 तरीक की सुबह 3:10 के लगभग कोई अनजाण बंदा आया जी, जिदे हाथ में हथियार है जी, मतलब कोई तिखा हथियार लग रहा जी। आया तो वो इधर द आया जी, मान लो उन्हें कैमरा एक तो तोड़िया जी, अंदर वड़ गया तो कोशिश करता रहा गेट खोलन की भी, तो आपदे जने मतलब पूरा छात्र चोर है जी, चोरी की वारदात ना आया, सीसीटीवी कैमरा लगे होने के कारण उसनू लग्या तो वापस चले गया जी, जान लगा उन्हें एक कैमरा भी पट्टिया जी। शहर के दशमेश कलोनी 5 नंबर गली दे भी उस दिन ही उन्हें 10-15 मिनट पहला उन्होंने घर गया जी। उस तो पहला भी वाटर बक्स की बैक साइड पर उन्हें वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है, तो जबकि उसनू थोड़ा जहा घर वालों खड़ाक होया तो वह उतों भी भज्जन कामयाब रहा जी। तो शहर के खुलेआम फिरदा जी, सिंगल बंदा जी कल्ला आ जी, हाथ के हथियार है जिदी के सीसीटीवी फुटेज पूरी क्लीयर आँदी भी है। लाल रंग का उन्हें भरना बनया हुआ सी उस दिन मूँह के उत्ते, तो पुड्डा कलोनी के 12 तरीक नूं वेख्या गया जी। वह तो असी प्रशासन तो यही मंग करते हैं कि इनू जल्दी तो जल्दी जिन्ना भी छेती तो छेती हो सकता है कि इनू काबू किया जाए, तो जो मतलब कोई आने वाली कोई घटनावां नूं अंजाम ना दिता जाए। जिक्रयोग है कि लॉकडाउन के चलद्या भी कई थां लड़ाई झगड़िया अते कई वारदातां दीआं खबरां भी सामने आईआं ने। हुण इह नौजवान किस फिराक विच हथियार लैके मलोट दीआं गलीआं च घूम रहा, इह तां जांच तो बाद ही पता लगेगा। फिलहाल पुलिस इस नूं कदों काबू करके अगली कार्रवाई करदी है, इस ते नज़र बनी रहेगी। मुक्तसर तों तरसेम ढुड्डी दी रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी, ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।